पूरे देश में 15 अगस्त का जो पर्व है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बड़े ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर आप देख सकते हैं तिरंगा को लेकर आयोजन किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू इंटर कॉलेज और जैन इंटर कॉलेज, देशभक्त इंटर कॉलेज, अन्य जो कॉलेज हैं उनके छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद है। एनसीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मौजूद है। भारी मात्रा में यहाँ पर आज छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए हैं और ये जो जन सैलाब है जो आज भारतीय तिरंगे को लेकर के सड़कों से होता हुआ निकलेगा, एक तरह का संदेश देगा कि भारत में जो भारत की एकता है उसको लेकर के काफी जोर जोर से तिरंगा यात्रा निकल रहा है। मेरे साथ एक मैडम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? ये बताइए, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं टोटल हम लेके आए हैं यहाँ पे। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हिंदू कन्या से हम लोग आर के इंटर कॉलेज में आए हैं और अब वैस इंटर कॉलेज में यहाँ से लेके जाएंगे रेलवे और फिर वहाँ से हिंदू कन्या इंटर कॉलेज। देखिए, आप देख सकते हैं ये यात्रा शुरू हो गई है जो शामली के किसान इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज से शुरू हो गई है और जो शामली का वैस इंटर कॉलेज है उस पर जाकर इसका समापन होगा। आप देख सकते हैं ये वो छात्र छात्राएं हैं जो अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ा रही हैं। पूरे देश में आज जागरूकता रैली के रूप में एक जन सैलाब उमड़ा है। आप देख सकते हैं काफी भारी मात्रा में यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाने की मुहिम भारत सरकार ने छेड़ी है कि भारतीय तिरंगे को लेकर एक से एक कलाकारी दिखाई जाए, क्योंकि हमारे जो देश का गर्व है वो तिरंगा है, भारत की शान है। आप देख सकते हैं काफी भारी मात्रा में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो तिरंगा हाथ में लिए लेकर चल रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज है यहाँ से यात्रा शुरू हुई है और शामली का जो वैस इंटर कॉलेज है वहाँ पर जाकर इसका समापन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनसीसी के जो कैंडिडेट हैं वो भी आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, हाथ में तिरंगा है, ये भारत देश की शान है। इसलिए ये जो छात्र छात्राएं हैं आज एक संदेश दे रहे हैं, भारत की जो नागरिकता है एक इसी से संबंध रखती है, क्योंकि हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो हमारा जो देश का तिरंगा है वो हमारी शान बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कि तिरंगे की जो यात्रा है जो रोड से निकल रही है ये शामली का मुख्य मार्ग है, इससे एनसीसी के कैंडिडेट्स जो है वो देश के तिरंगे को हाथ में लेकर सड़क से होते हुए यात्रा निकाल रही है। इसमें काफी भारी मात्रा में छात्र छात्राएं मौजूद है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है अपने देश के तिरंगे की जो शान है तिरंगा उसको हाथ में लेकर रोड शो कर रहे हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर छात्र छात्राएं जो है वो 75वां हमारा जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसको मनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में छात्र छात्राएं तिरंगा हाथ में लेकर निकल रही है। आप देख सकते हैं काफी मात्रा में रोड से जो है यात्रा निकाली जा रही है। हिंदू इंटर कॉलेज, जैन इंटर कॉलेज, देशभक्त इंटर कॉलेज आदि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं शामली के जो आज इस यात्रा में शामिल हैं। मैं काफी छात्र छात्राओं को दिखाना चाहूंगा कि देखिए कैसे हाथ में तिरंगा लेकर ये छात्र छात्रा अपने देश का सम्मान बढ़ा रही हैं और अमृत महोत्सव जो 75वां हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है उसको मना रहे हैं। अभी हम आगे की और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आज जो जनसैलाब उमड़ा है आज हमारे देश और मान सम्मान है उसको बढ़ावा देने के लिए रोड शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोर जोर से नारेबाजी की जा रही है। क्या नाम है आपका? शकीब। क्या बोल रहे हो? जोर जोर के नारे काहे का ला रहे हो? छात्राएं हैं जिन्होंने वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। चलिए मैं अभी आगे की और भी कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव की यात्रा शामली में निकाली गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो छात्र हैं, छात्राएं हैं जिन्होंने आज शामली में अपना पार्टिसिपेट किया है। काफी मात्रा में जो है आज रोड शो शामली में निकाला गया है, जिसमें हाथ में तिरंगा लेकर छात्र छात्राओं ने काफी रोड शो निकाला है, क्योंकि आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो बड़ी ही धूमधाम से देश में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल का मैनेजमेंट और छात्र छात्राएं मौजूद है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराऊंगा जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि आज कुछ ऐसी छात्राएं मेरे साथ है जिन्होंने देश में जो हमारे देशभक्त शहीद हुए थे उनका एक प्रारूप अपने चेहरे पे बनाया है। सीधी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भगत सिंह। अच्छा, ये बताइए, आपने देश की आज़ादी में बहुत योगदान रहा, आप शहीद भी हुए, लेकिन आज आपने जो फेस बनाया है इसको बनाने का उद्देश्य क्या है?
ये कि भारत आजाद है और इसके हर घर पे तिरंगा फहराया जाए। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कैसा लग रहा है आप चंद्रशेखर आजाद बने? अच्छा लग रहा है। यात्रा में शामिल रहे, कहाँ से कहाँ तक रोड शो निकाला है? हिंदू कन्या स्कूल से राष्ट्रीय किसान स्कूल तक गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी मैं और जो है उनसे भी आपको, मेरे साथ मंगल पांडे हैं जिनके पीछे पूरी सेना चलती है, आज उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मंगल पांडे। मंगल पांडे, अच्छा ये बताइए आपके साथ कितने सैनिक हैं आपके? 27-28 है लगभग फिलहाल। जो आपके ये जो साथी हैं, मैन साथी 5। क्या क्या नाम है? मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, उन सब की एक टीम जो है मंगल पांडे जी के साथ है, क्योंकि हमारे देश का जो स्वतंत्रता अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें इन छात्राओं ने अपने आप को उसी प्रारूप में डाला है। आपका क्या नाम है? सुखदेव। कैसा लग रहा है सुखदेव बनके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे ये जो ये देश के देश बोलते तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है इनके बारे में बनकर, इनके बारे में लिखकर और इनके बारे में समझकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए एक और हैं मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? राजगुरु। कैसा लग रहा है राजगुरु बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टिसिपेट किया है यात्रा में? हाँ जी। कैसा लगा यात्रा में? बहुत अच्छा लगा। तो जो यात्रा आपने निकाली है उसमें आप फ्रंट पे रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा निकाली गई है? हिंदू कन्या इंटर कॉलेज से लेकर वीवी इंटर कॉलेज तक यात्रा रही थी, फिर उधर से वापस लेकर किसान कॉलेज तक रही। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, इसमें जो आप लोग तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, हर घर तिरंगा योजना का आयोजन किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है अब की बार जो पहली बार इस तरीके से जो हमारा जो पर्व है वो मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख कर। गाँव में अपने घर पर तिरंगा लहराओगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ स्कूल के मैनेजमेंट में प्रिंसिपल महोदय है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम आपका क्या नाम है? डॉक्टर दीपाली गर्ग। अच्छा आपके जो छात्र छात्राएं हैं, मैंने देखा है आज शामली में अमृत महोत्सव को लेकर के यात्रा निकाली गई है, काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आपको कैसा लगा है? और ये जो आप तैयारी करा रही हैं किस उद्देश्य से कराई हैं? बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना आएगी, तभी बच्चों का समर्पण होगा, तभी देश के लिए कुछ करेंगे और वो देश के अच्छे नागरिक तभी बनेंगे जब बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना आएगी और उनका कैरियर भी सुधरेगा, उनका जीवन भी अच्छा बनेगा और हमारा देश भी अच्छा बनेगा। देखिए देश अच्छा बनेगा उसको लेकर के छात्र छात्राओं में देशभक्ति की भावना पैदा की जाती है। मेरे साथ स्कूल के मैनेजर महोदय, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसे आज यात्रा निकाली गई है शामली के अंदर? ये प्रोग्राम तो हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पर्व चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, अगर हम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन इस तरह के जो हमारे पर्व हैं वो भी हम मनाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है आज़ादी का पर्व है। ना हमारा देश आज़ाद होता और ना ही हमें आज़ादी का महत्व मालूम पड़ता। ये आज़ादी एक दिन में तो मिली नहीं है, ये तो कई वर्षों में कड़े संघर्ष के बाद मिली है, और जितना खून बहा है सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि बलिदान के बाद आज़ादी मिली है। और जब कोई बलिदान के बाद चीज़ मिलती है तो उसका अनुभव अपने आप में अलग ही होता है। तो बच्चे जानेंगे कि हमें आज़ादी कैसे मिली जब मनाएंगे एक फेस्टिवल की तरह, और इससे बड़ा तो कोई फेस्टिवल हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही आपने कि देश का जो पर्व है हमारे यहाँ, इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं हो सकता। एक शिक्षिका मेरे साथ है, मैम क्या नाम है आपका? पारू मलिक। आपकी जो छात्र छात्राएं हैं ये काफ़ी बढ़ चढ़ के इससे किया है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कैसा लगा आप? सर बहुत अच्छा लगा, और ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना जो है आनी चाहिए और इनको पता लगना चाहिए कि हमारे देश शहीदों ने जो है कितने संघर्ष के बाद जो है हम लोगों को आज़ादी दिलाई है, और उनके इस संघर्ष के फलस्वरूप ही आज हम जो है अच्छे से खुले में सांस ले रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हम जो है इसके माध्यम से अपने बच्चों को जागरूक करना चाहेंगे कि जो है हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए कितना संघर्ष किया है, उन्हीं की याद में जो है हम ये बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करना चाहेंगे। थैंक बहुत बहुत अच्छा हमसे बात करने के लिए। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जो तिरंगा आप देख रहे हैं ये न जाने कितने बलिदानों को देने के बाद हमारे देश में लहराया गया है। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम है बड़ी ही शालीनता के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि देश की जो केंद्र सरकार है और भारत सरकार इस
जो इसका जो आयोजन कर रहे हैं बड़े धूमधाम से मना रही है। हर घर तिरंगा के नाम से एक जो योजना है वो लाई गई है ताकि हमारे देश में हर घर पे एक तिरंगा हर घर पे लहराए, ताकि हमारे देश के जो युवा हैं उनको ये महसूस हो कि जो आज तिरंगा उनके घर पे लहरा रहा है उसको कितने शहीद हमारे देश के जो शहीद हैं वो हुए थे, तब जाकर के इस तिरंगे की मान शान हम लोगों को मिली थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो यात्रा निकाली गई है हाथ में तिरंगा लेकर, कम से कम 1000 ऐसे स्टूडेंट थे जो आज हाथ में तिरंगा लेकर रोड शो करके शामली के वैस इंटर कॉलेज में पहुंचे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DIOS महोदय, सीधी उनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है News24 के साथ। कितने स्टूडेंट थे और जो ये यात्रा निकाली गई है आखिर उद्देश्य क्या है? ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 मना रही है और ये प्रोग्राम 11 तारीख से 17 तारीख तक चलेंगे। आज पहला दिन है, ये हमने झंडा यात्रा निकाली है। इसमें बढ़ चढ़ के बच्चों ने और कॉलेजों ने प्रतिभाग किया है, इनको बहुत बहुत बधाई बच्चों को। देखिए आज़ादी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शामली जो वैश इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेरे साथ मौजूद है, सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक पहल है, पूरे देश में एक जागरूकता का माहौल बना हुआ है और एक शख्सियत है विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी, घर को भी चलने को हमारे देशवासियों को कहते हैं, वो पूरा देश उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और जनपद शामली के हमारे सभी विद्यालयों के NCC NSS स्काउट और विद्यार्थी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और उनमें उत्साह है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो NCC के कैंडिडेट्स हैं, स्काउट के हैं और जो अन्य छात्र छात्र हैं उस भारी मात्रा में यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गुड़िया मेरे साथ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक बैनर बनाया हुआ है, इसी को लेकर के रोड शो निकाला गया है। वैश इंटर कॉलेज है उसमें पहुँचा है। गुड़िया क्या नाम है आपका? शिवानी सर। आपको कैसा लगा है जो आप ये बैनर लेकर निकले हो आज देश का? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा, बल्कि अमीनी सभी कॉलेज के जो लड़के लड़की सभी इसमें भाग ले रहे, सभी जा रहे, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा सर। देखिए देश का पर्व है स्वतंत्रता दिवस, हमारे यहाँ देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी को लेकर के अमृत महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। मेरे साथ एक टीचर है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? असल में अमृत महोत्सव इस देश की संस्कृति और आज़ादी के लिए हमारे वीरों ने जो संघर्ष और बलिदान किया, हमारी युवा पीढ़ी को उसको बताने का केंद्र सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। क्योंकि अब से पहले जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते थे स्कूल के बच्चे उन्हें छुट्टी समझ लेते थे, लेकिन सरकार ने इस विषय पर जागृति फैलाने का काम करते हुए अपनी जो आगामी हमारी युवा पीढ़ी है उसको इन सब बातों से रूबरू कराते हुए इस हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन कराना निश्चित किया है। और आगामी 13 तारीख को भी राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले बैंड ढोल और पूरे जोश और खरोश के साथ विद्यालय से ही आदरणीय DIS साहब के मार्गदर्शन में और जिलाधिकारी महोदया के आशीर्वाद से हम एक यात्रा निकालेंगे जो चलते हुए जनजागृति यात्रा तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो सुभाष चौक तक सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पे जाके समाप्त करेंगे। देखिए ये जो आज यात्रा निकाली गई है ये आज समापन नहीं है, आने वाली 13 तारीख में भी जो रोड शो किया जाएगा भारी मात्रा में किया जाएगा, उसमें भी बहुत से छात्र छात्राएं शामिल होंगे जो अपने देश के तिरंगे को हाथ में लेकर रोड शो निकालेंगे। शामली से अपने सहयोगी सलीम के साथ अमित शर्मा News24।